हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है पोको एक्स थ्री प्रो। अब पोको एक्स थ्री प्रो के ऊपर ऑलमोस्ट हर मंथ जो है एक सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट आ जाता है। पोको वाले इसके ऊपर जो है वैसे काफ़ी अच्छे से अपडेट तो पुश कर रहे हैं, बट आपको पता होगा कि इसका जो सिस्टम है कितना ज़्यादा लैगी है। इसका जो डेडिकेटेड रिव्यू है ना MIUI 13.0.2 का, वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं उसको आप कैसे फिक्स करोगे आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। एंड जो गाइडेंस है ना वो विदाउट रूट है, तो विदाउट रूट आप सभी चीजों को यहां पर फिक्स कर सकते हो। अगर आप MIUI 13 के ऊपर हो, स्पेशली MIUI 13 एंड्रॉइड 12 के ऊपर हो, या फिर उसके बाद में MIUI 13.0.2.0 को भी इंस्टॉल कर लेते हो, और अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा ना, गूगल कार्ड्स के अंदर लैग वगैरह है या फिर सिस्टम लैगी है, तो मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताने वाला हूं जिसको आप करोगे तो आपका जो पूरा सिस्टम है ना वो काफी अच्छा और काफी स्मूथ हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो के अंदर मैं सभी चीजें बताने की कोशिश करता हूं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मेरा जो फंडा है ना इस वीडियो के अंदर वो है कि यहां पर जो चार एप्लीकेशंस है हम इनको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में सबसे पहले सिस्टम को चेक करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे यहां पर वर्क कर रहा है। फिलहाल मैंने वैसे ऑलरेडी सभी को इंस्टॉल कर रखा है। मैं आपको अनइंस्टॉल का भी बता देता हूं कि आप अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हो अपडेट्स को। सबसे पहले सेटिंग के अंदर आ जाना, उसके बाद आपको आना है एप्स के अंदर और यहां पर आपको मैनेज एप्स के ऊपर क्लिक करना है। थ्री डॉट के ऊपर शो ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करोगे, देन यहां पर पोको लॉन्चर का डेटा मैं क्लियर कर देता हूं, यानी कि जो है अपडेट है उसको अनइंस्टॉल कर देता हूं। सो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर जो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सो ये जो है अभी अनइंस्टॉल हो चुका है। अब पोको लॉन्चर आपको पता है ओल्ड वाला कुछ इस तरीके से है, ये 4.0 वाला नहीं मिलता, ये स्टॉक वाला है 2.0 वाला। एंड इसके अंदर जो है गूगल कार्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो कितना ज्यादा लैग आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी हम यहां पर जो है पोको लॉन्चर 4.0 को इंस्टॉल करने वाले हैं, एंड उसके बाद में जो इंप्रूवमेंट्स आपको मिलने वाली है वो मैं आपको चेक करवाऊंगा। सिंपली आपको इसको जो है इंस्टॉल कर लेना, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर दूंगा सभी फाइल्स को। तो अभी ये जो वाला अपडेट है ना ये यहां पर अपडेट हो चुका है, यानी कि जो पोको लॉन्चर है वो 4.0 के साथ में अपडेट हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो स्मूथनेस आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। तो जैसे मैंने बोला MIUI 13 के बाद में जितने भी एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड आपको अपडेट्स मिले हैं उनके अंदर आप पोको एक्स थ्री प्रो के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हो, एंड दूसरे पोको डिवाइसेस के अंदर भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन अभी फिक्स हो चुका है, वापिस आ चुके हैं एनिमेशंस। लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड है कोई भी स्क्रोलिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो स्क्रोलिंग है वो आप यहां पर अभी क्लियरली देख सकते हो। सो काफी सारी चीजें यहां पर फिक्स हो चुकी हैं एंड कोई भी आपको लैग वगैरह यहां पर नहीं आने वाला, ये चीज अभी काफी अच्छे से फिक्स हो चुकी है। तो एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, अब दूसरे की ओर चलते हैं। नाउ अभी ना हम यहां पर MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर जो लेटेस्ट वाला उसको इंस्टॉल करेंगे, एंड उसके साथ में भी आपको यहां पर अगर आप देखोगे तो बाउंसी एनिमेशन ये वाला स्टॉक वाला जो आपको कंट्रोल सेंटर मिलता है इसके अंदर मिलेगा। एंड अगर मैं MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर यहां पर इंस्टॉल करता हूं तो वो काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है अभी सिस्टम UI प्लगइन का जो अपडेट है ना उसके थ्रू। तो इसको भी डायरेक्टली आप अपडेट कर सकते हो सिस्टम UI प्लगइन को, और वर्जन है 13.0.5.0 आई थिंक कुछ इस तरीके से आपको यहां पर इसका वर्जन मिलता है। तो डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा, एंड अभी अगर आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर जो है एनिमेशन मिल जाता है, एंड यहां पर जो बाउंसी एनिमेशन है वो रिमूव हो चुका है जिसके थ्रू आपका जो है ये कंट्रोल सेंटर काफी ज्यादा अभी स्मूथ लग रहा है। तो ये आपकी यहां पर काफी चीजें स्मूथ हो चुकी हैं, आपके एनिमेशन स्मूथ हो चुके हैं, गूगल कार्ड्स के अंदर जो स्क्रोलिंग है वो फिक्स हो चुकी है, कंट्रोल सेंटर आपका स्मूथ हो चुका है। अब थर्ड चीज के ऊपर आते हैं, वो है नया गेम टर्बो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पार्ट को देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहां पर सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करना होगा। इन सभी एप्लीकेशन के लिंक टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, वहां पर डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद सिस्टम सर्विस प्लग इन को भी इंस्टॉल कर लेना, अपडेट करोगे ना तो ये आपका यहां पर कुछ इस तरीके से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अभी क्या करना है आपको, सिक्योरिटी ऐप को यहां पर ओपन करना होगा, एंड सिक्योरिटी ऐप आपका वैसे अपडेट हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो है ओपन करना होगा गेम टर्बो को, मैं आपको दिखा देता हूं। गेम टर्बो कुछ इस तरीके से ओपन होगा गेम स्पेस नेम से, तो ये लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। एंड यहां पर अगर आप कोई गेम को ऐड करोगे ना कुछ इस तरीके से, यहां पर आपको जो है टॉगल्स मिल जाएंगे, एंड डिफरेंट सा आपको यहां पर जो है एनिमेशन देखने को मिलेगा। काफी सारी चीजें वैसे अपडेट हो चुकी हैं इस गेम स्पेस के अंदर। यहां पे आपको मैं दिखाता हूं इसका जो लेआउट है ना वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, परफॉर्मेंस मोड है। आप जैसे यहां पर क्लिक करते हो बैलेंस्ड मोड के ऊपर, मैं आपको
दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट सा एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगा, लाइन ड्रॉ होती हुई देखने को मिलेगी एंड सेम चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। तो विजुअल चेंजेस के लिए अगर आप नया गेम टर्बो इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये आप जो है चीज़ें ट्राई कर सकते हो। बाकी जो मेन बग्स है ना, जो यहाँ पर शाओमी या फिर जो पोको है वो फिक्स नहीं कर रहे थे पोको एक्स थ्री प्रो के अंदर, वो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर सकते हो मैनुअली और बिना रूट के। एंड अगर आप इनको अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो मेथड मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कैसे आप इनको जो है सिस्टम ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।